सोने की जड़ें अंतरिक्ष में हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना हमारे ग्रह पर नहीं बना? असल में सोना अंतरिक्ष में बने बड़े विस्फोटों से आया है, जिन्हें सुपरनोवा कहते हैं। ये विशाल ब्रह्मांडीय घटनाएं ही हैं जिन्होंने पृथ्वी पर सोने की मौजूदगी को संभव बनाया। सोने की यात्रा एक ब्रह्मांडीय कहानी है। सोचिए, अरबों साल पहले जब सूरज से भी बड़े तारे अपनी जिंदगी के अंत की ओर बढ़ रहे थे, ये तारे अपनी अंदरूनी प्रक्रियाओं के कारण एक दिन बड़े धमाकों में बदल गए। इन धमाकों ने भारी तत्व जैसे कि सोना पैदा किया और इसे पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। अब ये सोना पृथ्वी तक कैसे पहुंचा? इन धमाकों के बाद जो अवशेष बच गए उनमें सोने के कण भी थे। ये कण अंतरिक्ष में तैरते रहे और समय के साथ उल्कापिंडों का हिस्सा बन गए। ये उल्कापिंड, जिनमें से कुछ ने पृथ्वी पर हमला किया, अपने साथ सोना लेकर आए और हमारी धरती को समृद्ध किया। सोचिए उन उल्कापिंडों के बारे में जो पृथ्वी पर गिरे। ये सिर्फ छोटे छोटे पत्थर नहीं थे, कुछ बहुत बड़े थे और काफी मात्रा में सोना पृथ्वी पर लाए। ये सोना फिर पृथ्वी की गहराइयों में दब गया और लाखों साल बाद खोजा गया। अब सोने की चमक देखिए जो आप आभूषणों में देखते हैं। ये सोना शायद किसी तारे का हिस्सा था जो अरबों साल पहले फट गया, अंतरिक्ष में घूमता रहा और अंत में पृथ्वी पर उल्कापिंड के माध्यम से आया। मानो आप ब्रह्मांड का एक टुकड़ा पहन रहे हैं। आपको शायद ये सोचकर अचरज होगा कि हम हर जगह सोना क्यों नहीं पाते। असल में सोना दुर्लभ है क्योंकि इसके बनने और पृथ्वी तक पहुंचने की शर्तें बहुत ही खास है। सुपरनोवा जैसी घटनाएं बहुत ही कम होती हैं और इनके अवशेष किसी ग्रह पर गिरना भी बहुत ही दुर्लभ। जो सोना पृथ्वी तक पहुंचा वह असमान रूप से वितरित हुआ। अधिकांश सोना पृथ्वी की गहराइयों में दबा हुआ है। इसे सतह तक लाने के लिए प्राकृतिक भौगोलिक प्रक्रियाएं जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और कटाव होती है, जिनसे कुछ सोना मानवों द्वारा खनन के लिए पास आता है। सोचना कितना अद्भुत है कि हर एक सोने का टुकड़ा इतना खास है। अगली बार जब आप सोने का आभूषण देखें या पहने, तो याद रखें कि आप एक सुपरनोवा का टुकड़ा, ब्रह्मांड का एक हिस्सा पकड़ रहे हैं। कितना शानदार है ना यह? सोने की ब्रह्मांडीय यात्रा को समझकर हम इसे सिर्फ इसके मूल्य के लिए नहीं बल्कि इसके अद्भुत कहानी के लिए भी सराह सकते हैं। तो अगली बार जब आप सोना देखें तो सितारों, विस्फोटों और उस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में सोचें जो इसे आपके पास लाने में लगी।